लीजिए ना, भले भोजपुरी और मगही हो जो मूलतः यूपी और बिहार की भाषा है, वहाँ मान्यता प्राप्त दिलाइए ना, वहाँ वहाँ पहले जो मान्यता प्राप्त दिलाइए फिर यहाँ आके बात कीजिए। देखो सजता, लेकिन आपके अनावश्यक अनैतिक ये बेमानी वाला बात हुआ कि उसको वहाँ अधिकार नहीं है, और इसका मतलब स्पष्ट है कि झारखंडी लोग बोका धंधा लेकर है, यहाँ कोई डाका डाले लोग चुप रहेगा, ये अन्यायपूर्ण स्थिति। झारखंड आज 21 वर्ष का हो गया, वो जवान ही नहीं सयान भी हो गया, अपना हक और अधिकार को समझता है और लेना भी जानता है। यह झारखंड के नव निर्माण की लड़ाई है जो सिर्फ झारखंड वासियों की होगी, जरूरत पड़ी तो महासंग्राम भी होगा। इसलिए हर घर निर्मल महतो और शक्तिनाथ महतो पैदा होने चाहिए। उक्त बातें झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के संयोजक जयराम महतो ने बुधवार को चंदन क्यारी के सिल्फोर पंचायत स्थित सुइया डीसीयू मंदिर के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। महतो ने कहा कि भाषा और संस्कृति की लड़ाई तो झांकी है, 1932 का खतियान को लागू करना बाकी है। महतो ने कहा कि हर राज्य को अपनी विशिष्ट पहचान होती है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति होती है, उस राज्य की अपनी नीति है, नीति निर्धारण करने और उसके अनुपालन करने की पूरी छूट होती है, लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोगों को अवसर प्रदान करती है और अपने ही राज्य के मूल निवासी को दरकिनार कर देती है। यहाँ के युवा दूसरे स्टेट में पलायन के लिए मजबूर हैं, यहाँ बिहारी संस्कृति आज भी हावी है। आंदोलन बिगुल फूका जा चुका है। अगला प्लान हम लोग का मुख्य रूप से खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति, उस पर हम लोग जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक राज्य आप किसी भी राज्य को जाके देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी पहचान है, कहीं भौगोलिक स्थिति के आधार पर है, कहीं भाषा के आधार पर है, कहीं संस्कृति के आधार पर है, लेकिन झारखंड की अब तक कोई पहचान नहीं बन पाई, और पहचान ना बनने के कारण आज 22 साल हो गए लेकिन झारखंड में अतिक्रमण जारी है। आज भी लोग बाहर से लोग राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी तो छोड़िए, दूर दूर के राज्यों से लोग यहाँ आकर नौकरी करते हैं, जिनमें कोई यहाँ की ना उनकी जानकारी है, ना यहाँ भाषा संस्कृति को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई मुख्यतः से जो है किसी व्यक्ति से नहीं है, एक विचार से है जो मुझे सुरक्षित करेगी। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, यहाँ पहले अगर किसी को हक अधिकार मिले तो झारखंडियों के लिए, बस हमारी यही लड़ाई है। दादा एक सवाल लेंगे, ये जो आंदोलन है खोटा को लेकर, आपने बोला ये हमारी है, बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल बोलते हैं ये जो भोजपुरी मगही अंगिका को जो बोकारो धनबाद में सौंपा गया है ये बहुत अच्छा काम किया गया है, इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहली बात तो कहेंगे बेरमो के जो विधायक जी हैं उनको इतिहास, भूगोल, कल्चर कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, भले विधायक बन गए अच्छी बात है, उनके पास कैसे बने नहीं बने वो मुझे भी नहीं जानना है, लेकिन जब विधायक बने हैं तो कम से कम लोगों के हित में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वागत है, तो आप ऐसा कीजिए ना, भले भोजपुरी और मगही हो जो मूलतः यूपी और बिहार की भाषा है, वहाँ मान्यता प्राप्त दिलाइए ना, वहाँ पहले जो मान्यता प्राप्त दिलाइए फिर यहाँ आके बात कीजिए। देखो सजता, लेकिन आपके अनावश्यक अनैतिक ये बेमानी वाला बात हुआ कि उसको वहाँ अधिकार नहीं है, और इसका मतलब स्पष्ट है कि झारखंडी लोग बोका धंधा लेकर है, यहाँ कोई डाका डाले लोग चुप रहेगा, ये अन्यायपूर्ण स्थिति है, ये असंवैधानिक, जिस भाषा को उसके क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नहीं है उसे यदि झारखंड में सौंपा जाता है तो वह अतिक्रमणकारी रहेगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल पहचान है उसे डाइवर्ट भी करेगी और डिस्टर्ब भी करेगी और डिस्ट्रॉय भी करेगी। दादा मानते ठीक कहना है आपका, जो स्थानीय विधायक लोग भी है क्षेत्रीय से बिलोंग करते हैं, उन लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं? देखिए आप किस विधायक को स्टडी करने जाएंगे, किस विधायक को आप सर्वे करेंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं, एक दिन आप लोग अंडरग्राउंड, अगर ग्राउंड में जाइएगा तो आप लोग के भी साथ भी नुकसान हो सकता है, आप लोग अंडरग्राउंड जाके तमाम विधायक 90% विधायक ऐसे सामने आएंगे जिनके बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े चीज़ों में उनकी भागीदारी है, लाखों अरबों की कमाई होती है, उन्हें झारखंड की जनमानस की सुख सुविधा, झारखंड के बच्चों के नियोजन से उन्हें क्या मतलब है, कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इस पर ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे कर सकते हैं। विधायक नहीं, झारखंड की लड़ाई है, झारखंडियों की लड़ाई है, अगर वे आज नहीं लड़ते हैं तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। दादा कैलाश महतो का वार्निंग आया कि यदि आप घोटा बोलेंगे भोजपुरी को लेकर इस तरह से मैंने वार्ता निकाली बोलेंगे जगन्नाथ महतो तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय में घुसने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए और एक बात हम कहना चाहेंगे, इस मामले पे और हर मामले पे चाहे हमारी लड़ाई अपने जो व्यक्ति हैं उनकी नीतियों के खिलाफ है, हम लोग जगन्नाथ बाबू के साथ हैं, अब कैलाश यादव को मुंहतोड़ जवाब देंगे, शिक्षा मंत्री हमारे हैं उनके साथ है इस मामले में, लेकिन हाँ नाराजगी उनसे कब है मंत्री जी से, नीति पर, नीति पर मामले पे हम लोग की नाराजगी है।